नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके गणित विषय का कालांश और हम हैं प्रश्नावली 1.2 कक्षा अष्टमी। प्रश्नावली 1.2 हम कर रहे हैं और प्रश्न क्रमांक एक यानी कुछ संख्याएं दे रखी है आपको। पहले का पहला भाग देखिए 7/4 और पहले का दूसरा भाग आपको दे रखा है माइनस का 5/6। आपको इन संख्याओं को विद्यार्थियों संख्या रेखा पर निरूपित करने है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले आप एक संख्या रेखा बना लीजिए। ठीक इस प्रकार से मैं एक संख्या रेखा बना लेता हूँ, ये मैंने संख्या रेखा बना दी। आपको पता है कि संख्या रेखा पर यहाँ 0, फिर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है जी। इस तरफ पता है माइनस में संख्याएं जाती है, -2, -3 और -4। अब आपको करना क्या है कि आप संख्या रेखा पे सिंपल आप संख्या रेखा बनाइए और उसके बटे में आपको जो लगाना है यानी हमें दिखाना है 7/4। तो सबके बटे में 4 लगाए तो आप इन सबके बटे में 4 लगा दीजिए, लगा दिया, यहाँ भी इस तरफ भी लगा दीजिए, सबके बटे में 4 लगाना है। ये देखिए 4, 4 और 4। तो विद्यार्थियों अब ये जो स्थान है यानी कौन सा ये वाला स्थान संख्या रेखा पर किसको दिखा रहा है, 7/4 को। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि 7/4 को संख्या रेखा पर हम कैसे दर्शाएंगे। चलिए अब मैं आपको दूसरा प्रश्न बता देता हूँ, दूसरा भाग यानी -5/6 वाला। देखो फिर से हमने एक संख्या रेखा बनाई, इसमें माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस वाली संख्या बड़ी रखूँगा। इस तरफ 1, 2, 3 इतना काफ़ी है, इस साइड -1, -2, -3, -4, -5, -6 और 1 अतिरिक्त ले लेते हैं, -7, -7, -6, -5, -4, -3, -2 और -1। देखो बटे में क्या लगाना है, 6 लगाना है, सबके बटे में 6 लगा देते हैं, लगाइए 6, यहाँ भी लगाओ, 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 सबके बटे में 6 लगाओ। सबके बटे में जैसे ही 6 लगाते हैं तो मुझे ये स्थान जो मिलता है, ये स्थान किसका होगा, -5/6 का स्थान कहाँ पर, हाँ जी संख्या रेखा पर। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए फिर से एक प्रश्न हमारे लिए आ रहा है, प्रश्न क्रमांक 2 जिसको हम बोल रहे हैं, एक नंबर प्रश्न, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप सबको। चलिए जी प्रश्न क्रमांक 2 को देख लेते हैं। कुछ संख्याएं दे रखी है, -2/11, -5/11 और -9/11। आपको विद्यार्थियों इन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि पेन का साइज छोटा करना पड़ेगा, फिर हम शायद इसको निरूपित कर पाएंगे। ये मैंने संख्या रेखा बनाता हूँ तो जी मैंने ये संख्या रेखा बना दी। संख्या ज़्यादा माइनस की है तो मैं प्लस को रखूँगा यहाँ पर, यहाँ रखूँगा 1, 2, 3, 1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 और ये स्थान आपका हो चुका है -11। ठीक है विद्यार्थियों, तो निरूपित आपको क्या करना है, सबके बटे में आपको क्या लगा देना है। ये देखिए सबके बटे में हम लगाते हैं, क्या लगाएं, सबके बटे में 11 लगाना है। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, इधर से बटे ग्यारह, सबके बटे में 11 लगा दो। ये 9/10 और 11/11। तो अब आपको पता लग चुका होगा, देखिए पहली संख्या कौन सी है, -2/11, तो विद्यार्थियों ये रही संख्या, -5/11 ये रही वो संख्या, और -9/11 ये रही वो संख्या। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न क्रमांक 2 था आपको, अब प्रश्न क्रमांक 3 करते हैं। ठीक है, हम अपना पुराने वाला पेन का कलर थोड़ा सा साइज़ भी इस बार बड़ा रखेंगे। प्रश्न क्रमांक अभी हम करने वाले हैं 3,
ये बोल रहे हैं कि ऐसे पांच परिमेय संख्याएं लिखिए जो दो से छोटी हो, दो से छोटी पांच परिमेय संख्याएं, है ना? ये आपका प्रश्न है। तो संख्या रेखा से भी आप लिख सकते हैं। देखो, दो से छोटी क्या हो सकती है? दो से छोटी एक -1 होता है, दो से छोटा 0 होता है, दो से छोटा माइनस का 1/2 होता है, ठीक है, दो से छोटा 1/2 भी होता है, ठीक है, और दो से छोटा और क्या हो सकता है? आप ये लिख सकते हो, 3/2 भी दो से छोटा होता है। दो से छोटी अनंत संख्याएं होती है, उनमें से कोई भी पांच आप लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखी है, तो कोई भी पांच संख्याएं आपका उत्तर होगी, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये आपका प्रश्न था। अब चलिए, अब हम प्रश्न क्रमांक करते हैं नंबर 4 को, ब्लैक बोर्ड में कर देता हूँ साफ, और उसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 6 करेंगे। देखिए, प्रश्न क्रमांक सॉरी 4 नंबर प्रश्न अभी हम कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है? -2/5, ये देखो, -2/5 तथा 1/2 के मध्य समान हर वाली आपको लिखनी है 10 परिमेय संख्याएं। कितनी? 10 संख्याएं आपको लिखनी है। तरीका मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि माइनस का 2/5 यहाँ लिख दो और 1/2 यहाँ लिख दो। अब यहाँ हम करेंगे हमारा रफ का। देखो, दोनों का हर कितना है? एक का हर है 5, ये हर बोलते हैं, इसका हर है 2, तो इन दोनों का आप लघुत्तम ले लो, लेस है। इसका लेस आएगा बेटा 10, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आपका ये है कि आपको इस संख्या को बना देना है 10, बना देना इन संख्याओं को, ठीक है। तो देखो, 10 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अंश व हर को गुणा करना पड़ेगा 2 से और 2 से, ठीक। इसी प्रकार इसको 5 से और 5 से, तो ये संख्या अब मेरे पास बन जाएगी -4/10, और ये संख्या बन जाएगी 5/10, ठीक है। तो अब इन संख्याओं के बीच में देखो, संख्याएं हमें लिखनी है 10, ठीक है ना? तो अब आप अपनी मर्जी से कोई भी संख्या का इनके साथ गुणा या भाग जो हम करते हैं वो कर दीजिए। जैसे मैं इसका करता हूँ, 10 लिखनी है तो मैं इसको कर देता हूँ 5 से गुणा कर रहा हूँ और 5 से भाग लगा रहा हूँ, इसको भी 5 से गुणा कर रहा हूँ और 5 से भाग लगा रहा हूँ। तो अब ये संख्या क्या बन जाएगी? -20/50, और ये संख्या बन जाएगी 25/50। अब देखो, 20 के बाद और इससे पहले कितनी संख्या आती है? अनंत संख्याएं हैं, उन अनंत संख्याओं में से कोई भी संख्या आप लिख सकते हो। जैसे माइनस का कितना आएगा? 19/50, माइनस का 18/50, माइनस का 17/50, ठीक है ना, माइनस का 16/50, माइनस का 15/50, माइनस का 14/50, है ना? और भी संख्याएं होगी, जैसे 0 इनके बीच में होगी, 1/50, 2/50, 3/50 और 24/50 तक ये चलेगी, ठीक है। तो इनमें से कोई भी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मैंने 11 लिख दिया, तो इनमें से आप कोई भी संख्याएं अपनी मर्जी से छांट के, तो संख्याएं कितनी होनी चाहिए? 10 संख्याएं आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो, और वो बेटा सारी की सारी संख्याएं आपकी क्या मानी जाएगी? सही मानी जाएगी, ठीक है जी। तो अब आगे वाला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, वो आप अपने आप कोशिश करना कि आप उसको कर पाओ। बाकी के जो प्रश्न है मैं आपको कराऊंगा आगे, अगले वीडियो के अंदर, ठीक है।